नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 10-11 डिवाइडिंग रोड पर समर ग्रैंड मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई। इसके चलते यहां पर होने वाले काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत यह रही कि यहां पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 और सेक्टर 11 पुलिस चौकी में सूचना मिली थी कि समर ग्रैंड मैरिज हॉल में आग लग गई है। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कर इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर आकर आग बुझाने में जुट गई है। मैरिज हॉल में आग किचन के पास से लगना शुरू हुई और धीरे धीरे ये आग पूरे हॉल के अंदर फैल गई। देखते ही देखते आग ने हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों को घर से दूर और आसपास के दुकानदारों को भी दुकानों से दूर कर वहां से हटाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनका धुआं आसमान में चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। हॉल के अंदर काम करने वाले लोगों ने बचाव करते हुए किचन में रखे सभी सिलेंडरों को भी बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इस पूरी आगजनी में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी एक महिला ने बताया कि आग सबसे पहले किचन के एक कोने से शुरू हुई और धीरे धीरे उड़ता हुआ धुआं देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। सीमा भारद्वाज। सीमा जी, आग लगी है, कैसे लगी है, कैसे पता चला आपको? यहाँ हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, देखा यहाँ बिल्कुल कॉर्नर जो समर ग्रैंड का बिल्कुल कॉर्नर है, जो किचन है, किचन की तरफ एकदम आग लगी। हमने फटाफट इमीडिएटली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही, और 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं अब तक तो फायर ब्रिगेड की, और आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे भी कह रहे हैं कि कंपनी में पीछे की तरफ भी आग की लपटें अभी हैं और अंदर अभी भी आग का जो सिलसिला है वो जारी है, आग अभी भी है अंदर। पर फिर भी जो ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो काफ़ी हद तक आग पर काबू पा चुके हैं। यहाँ से किसी व्यक्ति ने डायल 112 पे सूचना दी, तो उस सूचना के आधार पर हमें भी सूचना मिली। हम यहाँ पर आए हैं, देखे हैं, हमने आसपास जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बुलवा ली हैं और अभी लगभग 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके ज़रिए। अभी तक कोई जान और माल, मतलब माल की नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कुछ गाड़ियों में पानी नहीं था, बगैर पानी की नहीं, एक गाड़ी के अंदर जो आधी भरी हुई थी वो अभी पता चला कि वो आधी भरी हुई थी, वो तुरंत भर रही थी, उसी समय जैसे पता चला वो आधी को ही लेके आ गया। कुछ वजह पता चल सकी है, क्या वजह है? अभी कोई पता नहीं चला है अभी किस वजह से आग लगी है। जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद में कोशिश करेंगे पता करेंगे। अब तक 6 गाड़ियां आ चुकी हैं, 10 गाड़ियां और बुला रखी हैं हमने। किस हद तक आग पर काबू पाया जा सका है? अभी फायर ब्रिगेड के जरिए ही कर रहे हैं कोशिश। कितने इस आग पर काबू पा चुके हैं अभी तक? 80% हम हो चुके हैं काबू। बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद फोन करने के बाद पहुंचेगा, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया, नहीं कहा जा रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।